हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आ चुकी है डायरेक्टली आधार कार्ड की तरफ से। जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज भी आई हुई है, जहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है। दोनों नोटिफिकेशन का आपको मैं यहाँ पे 1 by 1 बताने वाली हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पे अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, 11,800 प्लस वैकेंसीज है जो आउट हुई है, जिसमें आधार कार्ड का एक नोटिफिकेशन है और एक और नोटिफिकेशन है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। आपके नियर बाय उसमें आपको जॉब लोकेशन भी मिलने वाली है, कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होने वाली है। सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और हां, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। बाकी आधार कार्ड की जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है ना, इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी यहाँ पे देखिए वैकेंसीज आउट हुई है, उसके बारे में कवर करेंगे। इसी के साथ साथ क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, उसके बारे में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो भी आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आपने जरूर से देखना है। इसी के साथ साथ अलग वैकेंसीज आप चेक करना चाहते हैं जो इसके अलावा आई हुई है, उसके लिए सीधा गूगल पे जाना, www.glory.com टाइप कर सकते हैं। ये पहले नंबर पे आपको साइट मिल जाती है, वहां पे जाकर आप लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसीज की, जो कि हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको आधार कार्ड की वैकेंसीज का ही बताने वाली हूँ, उसके बाद सेकेंड जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे 10th 12th ग्रेजुएट की डायरेक्ट हायरिंग होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अनलिमिटेड है, आपके नियर बाय यहां पे आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है, परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, उसका भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेके आने का। सो बात करें हम देखिए आधार कार्ड की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन आप यहां पे देख पा रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब UIDAI आधार कार्ड की तरफ से रिलीज हुआ है। इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। सैलरी की बात करें 56,100 से 177,500 आपकी सैलरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे काफी है जो यहाँ पे रिलीज हुई है, 1 by 1 बात करने वाले हैं। और हाँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है ना किसी भी डिपार्टमेंट की अपडेट को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज दोनों पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपका डेफिनेटली रिप्लाई मैं करूंगी। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर रखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे 4th या 5th नंबर पे, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आधार कार्ड की वैकेंसी के बारे में बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन की कोई फी पे नहीं करनी है। इवन आधार कार्ड कभी आपको नहीं बोलता कि किसी जॉब के लिए आपको कुछ भी पे करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। वैकेंसीज जो यहाँ पे लेटेस्ट आउट हुई है, इसमें देखिए पहली जो पोस्ट है ASO की है, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है। उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसीज भी आउट हुई है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, डायरेक्टर की है, अकाउंट ऑफिसर सीनियर की है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज है जो यहाँ पे आधार कार्ड की तरफ से सीधा आउट हुई है। अब लास्ट में यहाँ पे आप जाएंगे सिलेक्शन की, अगर यहाँ पे बात करें एज पर नॉर्म्स आपकी सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। बट जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया ना आधार कार्ड वाला, इसमें आपको वॉक इन बुलाया जाएगा, इंट्रैक्शन होने वाली है, आप उसको इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 56 मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने देखिए क्लियरली मैं आपको मेंशन किया हुआ, कोई फी नहीं है, कोई आपको बोलते हैं आप पे मत करना किसी को भी। नेक्स्ट बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, इसमें एज पर नॉर्म्स क्वालिफिकेशन रहेगी, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ओपन होगा, उसको आपने अच्छे से रीड करके उन वैकेंसी के लिए देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है हर एक नोटिफिकेशन के साथ, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करने, आपका नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, अदर डिटेल्स फिल करनी है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करके लास्ट में सिग्नेचर करने हैं। अब इसको एक अच्छे से एनवेलप में डाल के इनके गिवन एड्रेस पे सेंड करना है। एड्रेस टॉप में मेंशन किया हुआ है इन्होंने नोटिफिकेशन के, ठीक है। बाहर मेंशन करना कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आधार कार्ड का नोटिफिकेशन है ना, इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं है,
यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग एलिजिबिलिटी मेंशन किया जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब मैं आपको फ्रेशर की वैकेंसीज का बताती हूँ जिसमें आप में से जो हर कोई अप्लाई कर सकता है 10th 12th ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। 10th 12th ग्रेजुएट फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं करनी है। रिजर्व कैंडिडेट जो मेल है, ठीक है, उनके लिए भी कोई फी नहीं है। अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट के लिए फी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि आपके 100 रुपीज से ऑनलाइन पे करनी है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से। इसके लिए देखिए ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई आपको कर लेना है। यहाँ पे फी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एज लिमिट या फिर पहले हम बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पोस्ट है आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पहली वैकेंसीज है जो आउट हुई है। उसके बाद जो सेकंड है वो आपकी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है जो डाक सेवक के लिए है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें यहाँ पे 12,000 से 29,300 सैलरी है। क्वालिफिकेशन के आपके देखिए क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स है आपके उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग यहाँ होने वाली है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें 12,828 आउट हुई है। यहाँ पे लास्ट में आपको रिक्वायर्ड लिंक में पहला ही लिंक मिल जाता है अप्लाई का। वैसे मैंने चैनल पे इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने की, क्योंकि फॉर्म इस बार बहुत सारे रिजेक्ट होने के चांसेस भी है। जल्दबाजी में कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान से समझ नहीं रहे हैं अप्लाई कैसे करना है। अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है, मैंने आपको इसकी वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूं। मैं बताती हूं, पहला लिंक आपको मिलेगा आधार कार्ड का, सेकंड पोस्ट ऑफिस का, थर्ड आपको दे रही हूं पोस्ट ऑफिस डीडीएस का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो लिंक, जो मैंने खुद आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताया हुआ है ताकि कोई भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उस वीडियो को चेक करके उस वीडियो को बेस बना के आपने इसके लिए अप्लाई करना है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना। इसी तरीके से आप चाहते हैं आपको जॉब अपडेट के साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो अगली वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।